सो वेलकम बैक टू 10 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। सो जैसा कि आपको पता है आज है डे 7 और आज के वर्कआउट दो फेजेस में डिवाइड है। फेज 1 जहां पे हम केवल और केवल कार्डियो करने वाले हैं, जहां पे होंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट 5। और सेकंड फेज है जहां पे हम लोग ट्रेन करेंगे अपने साइड मसल यानी कि लव हैंडल। सो यहां पे भी होंगी 5 वर्कआउट्स और यहां पे एक मैं फिनिशर वर्कआउट भी ऐड करूंगा वर्कआउट के एंड में, तो उसको करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में आपका डाइट चार्ट होगा डे 7 का, तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर बने रहना। तो साथ ही साथ अगर चाहते हो मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूं तो मुझे आप इंस्टा हैंडल पे मैसेज डीएम कर सकते हो या नीचे दिए गए मेल आईडी पे मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं डे 7 का वर्कआउट। एक जरूरी बात बता दूं, हर वर्कआउट को 3-3 से परफॉर्म करने हैं आपको 30-30 सेकंड्स के, इसका जरूर ध्यान रखना। अब जो फेज 1 की हमारी पहली वर्कआउट है वो है हाई नीज साइड। ये बेसिकली आपके लव हैंडल्स और आपके टायर्स को भी फिक्स करता है और ये बहुत अच्छा हाई इंटेंसिटी कार्डियो है। तो आप चाहो तो इसको धीरे धीरे कर सकते हो, चाहो तो आप इसको थोड़ा फास्ट, डिपेंड्स ऑन स्टेमिना आपका कितना है, एंड्योरेंस आपका कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करने वाले हो। ध्यान रखना है आपको पैरों को जितना ऊपर उठा सको उतना ऊपर उठाते हुए इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। ये है हमारी पहली वर्कआउट हाई नीज साइड जो आप लगाओगे 30 सेकंड्स के 3 सेट्स। अब जो हमारी दूसरी वर्कआउट है वो है हाई नीज फ्लैप। ये आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके अपर एब्स, आपके मिडिल एब्स को साथ में ट्रेन करता है। तो ये बहुत अच्छा कंपाउंड वर्कआउट है, इसको ज़रूर ऐड करो अपने वर्कआउट पैटर्न पे। अगर फॉर्म देखो, मैं अपनी बैक को लॉक रखा हूँ और अपने हाथों को नीज को टच कराने की कोशिश करो। जितना हो सके उतना पैरों को ऊपर ले जाओ, जितना हो सके पैरों को पीछे ले जाओ, बट ध्यान रखना बैलेंस बना के। तो आपको 30-30 सेकंड्स दोनों पैरों से इक्वली ट्रेन करना है। तो मैंने लेफ्ट लेग से कर लिया कंप्लीट, अब करूँगा मैं अपने राइट लेग से। ध्यान देना बैलेंस बना के पैरों को पीछे, देन पैरों को ऊपर और अपने हाथों से नी को फ्लैप करते हुए पीछे की तरफ ले जाना। मेक श्योर करना अगर आपको बैक में बहुत पेन रहता है तो आप बैक को लॉक रख के तब परफॉर्म करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगते हैं। आप लोगों को तो लगता है 8 मिनट के वीडियो में कुछ है नहीं, बट ऐसा है नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। उसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ये है हमारी दूसरी वर्कआउट। अब जो हमारी तीसरी वर्कआउट है वो है स्क्वाट्स साइड टैप। ये बेसिकली आपको स्क्वाट्स की पोजीशन पहले बनानी है और पैरों को पीछे की तरफ टैप करना है, बगल में टैप करना है। ये एक डांस का फॉर्म भी हो सकता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत यूनिक है। काफ़ी देर तक आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट रहते हैं इस वर्कआउट के टाइम फ्रेम में। तो इसको इसी फॉर्म के साथ, इसी पोस्चर के साथ परफॉर्म करना। अगर आपकी नी में बहुत पेन रहता है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप थर्ड वाली वर्कआउट को परफॉर्म करो। यहाँ पर आप जंपिंग जैक ऐड कर सकते हो। अब जो हमारी चौथी वर्कआउट है वो है स्क्वाट्स जैक। ये कम्बिनेशन ऑफ जंपिंग जैक का है। यहाँ पे बस हम लोग स्क्वाट्स ऐड कर लें ताकि हमारे ग्लूट्स, हमारे हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व हो सके और थोड़ी सी यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा लग सके एज कम्पेयर टू नॉर्मल वर्कआउट। ये है स्क्वाट्स जैक, थोड़ा सा वेरिएशन है जंपिंग जैक का। इसको लगाओगे आप 30-30 सेकेंड्स के 3 सेट। मेक श्योर करना फॉर्म आपका ऐसा ही रहे, आपका नी आपके टो के आगे बिल्कुल भी ना आए। ये है राइट फॉर्म, ये है राइट पॉस्चर। अब जो हमारी लास्ट वर्कआउट है फेज 1 की वो है लेग्स फ्रंट रेजेस, या पैरों को सामने की तरफ ले जाओगे। ये करने का रीज़न बेसिकली यही है कि आप अपने लोअर एब्स और अपने मिडिल एब्स को ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर सको। ये बहुत ईजी वर्कआउट है और बहुत ही इफेक्टिव है। ये उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव जिनका वेट लगभग 90 या 100 किलो के वो ऊपर है, उनके लिए ये वर्कआउट बहुत ही इफेक्टिव है। तो मेक श्योर करो इसके भी आप 30-30 सेकंड्स के वर्कआउट 3 सेट परफॉर्म करना। ये हमारी फेज 1 की लास्ट वर्कआउट। अब फेज 2 की जो यहाँ पे हम लोग ट्रेन करने वाले अपने साइड मसल, तो पहली वर्कआउट शुरुआत करेंगे साइड बेंड से। यह आपके लव हैंडल्स को ट्रेन करने में वन ऑफ द सिंपल एंड वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट मानी जाती है। तो इसके भी लगाओगे आप 30-30 सेकंड्स के। मेक श्योर करना आप सुमो स्क्वाट्स की पोजीशन पे रह के आपको ये वाली वर्कआउट परफॉर्म करनी है। बहुत इंटेंस और बहुत ईजी और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। तो मेक श्योर 30 सेकंड्स के 3 सेट परफॉर्म कर लेना।
अब जो हमारी दूसरी वर्कआउट है वो है साइड लेग ट्विस्ट, या आपके अगेन लव हैंडल्स आपके टायर्स को ट्रेन करता है। पैरों को फ्लोर पे टच मत होने देना और बैक को अपनी लॉक रखना। थोड़ा सा पीछे रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके लव हैंडल्स पे टेंशन क्रिएट होगी। तो मैं 30 सेकंड्स में दोनों पैरों से कंबाइन कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी और लेंदी ना हो जाए। आपको सेपरेट पैरों से परफॉर्म करने हैं 3 सेट्स। अब जो हमारे तीसरी वर्कआउट है वो है टो टैप। अगेन वन द सिंपल एंड वन ऑफ द इफेक्टिव वर्कआउट्स में ये मानी जाती है। टो टैप आपको पूरी तरीके से लेट के अपने टो को टैप करना है। मेक श्योर आपके साइड मसल पे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो, उतना फील करना उतना ही आपको आगे पुश करना। जितना मुझे टेंशन क्रिएट लगे उससे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रायल लेवल बेस्ट मैक्सिमम रीच आउट आपको करना है। ये हमारी तीसरी वर्कआउट। अब जो हमारी चौथी वर्कआउट है वो है साइड लेग्स अप एंड बेंड, या आपके एब्स एंड आपके लव हैंडल्स को इक्वली दोनों को साथ में ट्रेन करता है। तो एक कंबाइंड वर्कआउट आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट होने वाली है। इसके भी लगाओगे आप 30 सेकंड्स के 3 सेट। अगर आप ध्यान दो तो मैं पैरों को बेंड कर रहा हूँ देन ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, मैं पैरों को रिलैक्स नहीं रख रहा हूँ। तो अब टर्न होंगे, अब परफॉर्म करेंगे सेम चीज़ दूसरे साइड से। देखो पहले फॉर्म देखो, मैं पैरों को 90 डिग्री एंगल पर ले गया देन अंदर की तरफ मैं ट्विस्ट किया। सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। अगर कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ साथ आप इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर करो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ये है हमारी चौथी वर्कआउट, सबसे सिंपल सबसे इफेक्टिव। अब आते हैं लास्ट वीडियो फेज 2 का, ये है नॉर्मल सिटअप्स। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमें बैठ के परफॉर्म करना है, सिंपल है। तो अगर आप ध्यान दो तो मैं पैरों को फ्लोर पे रख के फिर उठा रहा हूँ, सो दैट आप बीच बीच में रिलैक्स भी हो जाओ और आपकी फॉर्म ना ख़राब हो, आपके बैक पे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट ना हो। ये है बेसिक फॉर्म ऑफ सिटअप्स। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फिनिशर वर्कआउट। तो फिनिशर वर्कआउट में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जंपिंग जैक। अगर जिनके नीज़ में प्रॉब्लम नहीं है वो 50 स्क्वाट्स लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 जंपिंग जैक लगाने वाला हूँ। मेक श्योर करना आपको केवल और केवल एक सेट ही परफॉर्म करने हैं। इस पूरे वर्कआउट के दौरान आपको मैक्सिमम 30 से 40 मिनट ही लगने वाले हैं अगर आप इसको अच्छे से परफॉर्म करने वाले हो। तो मेक श्योर करो 50 जंपिंग जैक्स लगाओ। देखो रहे हो मेरे मैट भी थोड़े से ट्विस्ट हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको फिनिश करना है 50 जंपिंग जैक्स। तो ये थी कंप्लीट वीडियो डे 7 के वर्कआउट। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। अब बात आती है आपके डाइट चार्ट। तो डाइट चार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर चाहते हो ये डाइट चार्ट आपके फोन में आ जाए तो मुझे इंस्टा हैंड्स पे मैसेज फॉलो करो, वहां पे भी आपको डाइट चार्ट और वेराइटीज के डाइट चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो नीचे दिए गए डिटेल्स पे क्लिक करो, वहां पे आप सीधे मेरे इंस्टा हैंडल पे पहुंच जाओगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के तब जाना, सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके फोन पे नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।